दोस्तों इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इंडियन ब्रांड डाइवा ने दो नए अपने अल्ट्रा 4K टीवी कर दिए हैं लॉन्च। साथ में आपको बताएंगे कि Z5 जो कि एक साल से लगभग दोस्तों टिकटॉक के राइवल हाईपाई पर काम कर रहा था वो भी दोस्तों लॉन्च हो गया है ऑफिशियली, और भी ढेर सारी टेक्नोज को शामिल करेंगे आज के एपिसोड में। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देना शुरू कर चुके हैं द टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार फिर से याद दिला देते हैं चैनल पर चल रहा है गिव अवे, जिसमें कि 5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर Redmi Note 9 के साथ में दूसरे हेडफोन और ईयरबड्स आप दोस्तों जीत सकते हैं। तो आते हैं दोस्तों सबसे पहली न्यूज पर। Z5 OTT ऐप जो कि एक साल से लगभग टिकटॉक के राइवल हाईपाई पर दोस्तों काम कर रहा था, कल ऑफिशियली एंड्रॉइड यूजर्स के लिए इसे लॉन्च कर दिया है। दोस्तों इसमें पहले से 400 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर को हायर किया है कंपनी ने, जो कि इस पर अपनी वीडियोस को कंटेंट को अपलोड करेंगे। साथ में कमाल की बात यह है दोस्तों कि YouTube की तरह इस पर यानी कि Z5 हाईपाई पर भी दोस्तों कंटेंट क्रिएटर जो एड रिवेन्यू होगा उसमें दोस्तों हिस्सा ले सकेंगे, यानी कि वहां से वो रिवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। बाकी दोस्तों देखते हैं कितने दिनों में नॉर्मली यूजर इस पर अपना कंटेंट अपलोड कर पाते हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों, फोर्टनाइट गेम को कल एप्पल ऐप स्टोर और गूगल के प्ले स्टोर दोनों ही जगह ब्लॉक कर दिया गया था, और आरोप लगाया था कि पेमेंट गाइडलाइन वायलेशन किया है। लेकिन फोर्टनाइट बनाने वाली कंपनी एपिक गेम्स ने दोस्तों आरोप लगाया है खुद एप्पल और गूगल के ऊपर कि वो गेम को ब्लॉक करना चाहते हैं, बैन करना चाहते हैं। और इसके जो समर्थन है दोस्तों एपिक गेम के, उसके समर्थन में दूसरी ऐप जो डेवलपर है वो भी आ गए, साथ में जो गेमर्स हैं जो इस गेम को पसंद करते हैं दोस्तों वो भी आ गए, और ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा है एप्पल और गूगल के खिलाफ। देखते हैं आने वाले दिनों में इसको लेके और क्या ताजा खबरें आती हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों एक और गेम को लेके जो कि काफी पॉपुलर है, और साथ में उसके ऊपर मूवीज भी दोस्तों आ चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूं एंग्री बर्ड की। हम सभी ने दोस्तों खेला होगा, और इसको बनाने वाली कंपनी है रोव्यू एंटरटेनमेंट, और उसको एक खुशी का एक नया मौका मिल गया है लॉकडाउन के बीच में, जहां सभी लोग परेशान है। लेकिन ऐसी कंपनियां हैं जिनको दोस्तों कुछ खुशी के मौके भी मिल गए, यानी कि लॉकडाउन के बीच में गेमर्स ने ज्यादा गेम खेला है, और एंग्री बर्ड का जो रेवेन्यू है वो दोस्तों ग्रो कर गया है 160% तक। बाकी देखते हैं दोस्तों और दूसरी कंपनियां कौन कौन सी प्रॉफिट में चल रही हैं, जिनको ज्यादा फायदा हुआ है, आने वाले दिनों में दोस्तों उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आ जाएंगी। अगली न्यूज़ है दोस्तों फेसबुक की तरफ से। टिकटॉक जैसी ढेर सारी ऐप्स तो आपको पता है मार्केट में है, और हर दिन कोई ना कोई नई ऐप भी दोस्तों मार्केट में आ रही है। खुद फेसबुक के इंस्टाग्राम की ही रील भी आपने देख ही ली है, लेकिन फेसबुक भी दोस्तों शॉर्ट वीडियो फीचर पर काम कर रहा है। दरअसल इसकी टेस्टिंग चल रही है, और आने वाले दिनों में अगर टेस्टिंग हो जाती है सक्सेसफुल तो हमें ऐप पर यह फीचर भी दोस्तों देखने को मिल जाएगा। बाकी देखते हैं कितने दिनों में हो पाता है ये कंप्लीट और लोगों को कितना पसंद आता है। अगली न्यूज़ आ रही है दोस्तों एडोब के प्रोडक्ट फोटोशॉप को लेके। एडोब काम कर रहा है दोस्तों एक नए फीचर पर, जिससे कि कोई भी यूजर किसी भी इमेज की क्वालिटी को चेक कर सकता है कि ये ओरिजिनल है या फिर एडिटेड है। और इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए दोस्तों AI टूल्स का यूज किया जाएगा, साथ में मेटा डाटा और उसके अलावा क्रिप्टोग्राफी का भी एडोब यूज करेगा, जिससे कि दोस्तों हम लोगों को आने वाले दिनों में इससे सहूलत मिल सकेगी कि आप किसी भी इमेज की क्वालिटी को चेक कर सकेंगे। बाकी देखते हैं दोस्तों कितना सक्सेसफुल होता है ये फीचर और कब तक हमारे सामने आ पाता है। अगली न्यूज़ आ रही है दोस्तों गूगल की तरफ से। पिछले कुछ महीने का अगर दोस्तों रिकॉर्ड देखें तो गूगल ने कई अपने ऐप्स और प्रोडक्ट को क्लोज किया है या फिर उनको किसी दूसरे के साथ में माइग्रेट किया है। एक और खबर आ रही है दोस्तों गूगल ड्यू को लेके, और ये क्लोज होने जा रही है, यानी कि इसको बंद करने जा रहा है गूगल जल्दी ही, और इसका जो डेटा होगा दोस्तों और यूजर होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे गूगल मीट में। बाकी देखते हैं दोस्तों कब तक ऑफिशियली गूगल इसका अनाउंसमेंट करता है। अगली न्यूज़ है दोस्तों HTC एक और एंट्री लेवल स्मार्टफोन वाईफाई सीरीज में ई लाइट को करने जा रही है लॉन्च। दोस्तों दरअसल इसके स्पेसिफिकेशन हुए हैं लीक गूगल प्ले लिस्टिंग से। यहां पर आपको बता दूं कि 2GB का रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एंड्रॉइड 10 पर फोन काम करेगा। साथ में आपको बता दूं कि क्वाड कोर CPU उसमें मिलेगा दोस्तों MediaTek A20। बाकी देखते हैं दोस्तों कि HTC क्या इंडियन मार्केट में भी अपने फोन्स को लॉन्च करती है आने वाले दिनों में या फिर नहीं। अगली न्यूज़ है दोस्तों सैमसंग के अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी S21 के बारे में। दोस्तों अभी तक खबरें चल रही थी कि इस फोन में हमें देखने को TOF सेंसर मिल सकता है, क्योंकि पहले खबरें थी कि S20 सीरीज में शायद ये आ जाएगा, लेकिन वहां पर भी कंपनी ने ड्रॉप किया आइडिया। लेकिन अब खबर आ रही है दोस्तों नई कि S21 में भी ये आइडिया ड्रॉप ही सैमसंग करने वाली है। दरअसल एप्पल इसे पहले भी लॉन्च कर चुका है अपने iPad 2020 में, और इसी को लेकर सोनी और एप्पल के बीच में दोस्तों पहले से करार है, जिसकी वजह से सैमसंग को थोड़ी सी अड़चने आ रही हैं, और इसी वजह से सैमसंग इस आइडिया को अपने ड्रॉप करने वाला है। बाकी देखते हैं दोस्तों अभी तो काफी महीने बाकी है इसको लॉन्च होने में,
क्या निकल के आते हैं नई इसके बारे में जानकारी। और लास्ट न्यूज है दोस्तों, इंडियन ब्रांड दाइवा ने अल्ट्रा 4 के टीवी के दो डिस्प्ले साइजेस दोस्तों आज इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं। यह है 49 इंच और 55 इंच, जो कि ये दोनों टीवी दोस्तों एंड्रॉइड 9 टीवी पर दोस्तों रन करेंगे। साथ में बता दूं 2 GB की रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। उसके अलावा HDR10 और साथ में DBX TV दोस्तों इसमें सपोर्ट करेंगे। बाकी दोस्तों प्राइसेस की अगर बात कर ले तो 49 इंच वाला टीवी आपको 29,990 में मिल जाएगा दोस्तों, जबकि 55 इंच वाला आप 35,000 रुपए की प्राइस रेंज में खरीद सकते हैं। बाकी दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, और भी ढेर सारी टेक न्यूज अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.techinsider.in को विजिट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।